वेयर, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो आपको केयरफुल होकर कोर्स सिलेक्शन करना होगी, क्योंकि कोर्स सिलेक्शन की भी कुछ रिक्वायरमेंट है जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। एक तरफ ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन साथ में कोर्स सिलेक्शन की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। और अगर आप कोर्स सिलेक्शन सही तरह नहीं करते, केयरफुल होकर नहीं करते, तो आप स्कॉलरशिप को लूज कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए आप इन एलिजिबल होंगे, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिक्वायर है कि जब स्टूडेंट्स कोर्स की सिलेक्शन करें तो उनको सेमेस्टर वाइज स्टडी स्कीम के मुताबिक कोर्स की सिलेक्शन करना होगी, अदरवाइज वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। यानी कि जो भी स्टडी स्कीम वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने आपकी डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक आपको बताया है, उसके मुताबिक ही आपने कोर्स सिलेक्ट करना होगा। आप अपनी मर्जी से कोर्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मर्जी से कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, चाहे आपकी जितनी अच्छी भी परसेंटेज या जितना भी अच्छा आपका ग्रेड आया हो, वो फिर मैटर नहीं करेगा। तो परसेंटेज और ग्रेड्स के अलावा आपको कोर्स सिलेक्शन का भी ख्याल रखना है। और जो स्टडी स्कीम है आपके डिग्री प्रोग्राम की, वो आपको LMS से भी पता चल सकती है, और साथ में वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी आपको अपने डिग्री प्रोग्राम की जो स्टडी स्कीम है वो आपको पता चल जाएगी। और हो सका, पॉसिबल हो सका, तो इस चैनल के ऊपर भी डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स की स्टडी स्कीम जो है वो शेयर की जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट कीजिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।